भाई मुझे खुद समझ नहीं आया लेकिन इस वीडियो के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों आई है आई डोंट नो। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज मोहित वीडियो कंटेंट क्रिएटर ऑफ द चैनल शेफ जसबीर। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स वर्सेस बारबेक्यू नेशन। हम दोनों प्लेसेस को जज करने वाले हैं तीन पैरामीटर्स पर, सर्विस, एम्बियंस एंड फूड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो के एंड में जो रिजल्ट है उससे आप हैरान हो जाओगे। एंड बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What's up guys, मैं हूं आपका शेफ जसबीर और आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट कमेंटेड वीडियो, क्योंकि लोग मुझे पूछ रहे थे कि जम्मू में बेस्ट बुफे कौन सा है। तो मैं निकला हूं आज बुफे ट्राई करने के लिए और मैं ट्राई करने वाला हूं बारबेक्यू नेशन वर्सेस पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स। तो मैं जाऊंगा दोनों आउटलेट में और टेस्ट करूंगा इन दोनों का बुफे और आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट में कैसे है, इनका एम्बियंस कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। तो जो सबसे पहली लोकेशन है जहाँ पे मैं आया हूँ वो है पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स। सुन, अब सबसे पहली प्लेस जहाँ पे हम आए हैं वो है पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स। तो ये वेव मॉल के अंदर है जम्मू में, तो हम यहीं पे आए हुए हैं, बुफे ऑर्डर किया है, नॉनवेज बुफे। और इस वीडियो में मैं और मोहित ही है। बेस्ट पार्ट पता क्या है, लंच में आप जाओ ना पायरेट्स ऑफ ग्रिल तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिल जाती है। और इनके मेन्यू में मतलब आपको नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों तरह की आप ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, जो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यार। बट मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता हूँ, आई मीन मैं भी मॉकटेल वगैरह ही लूंगा। फूड आने वाला होगा, आपको बताते हैं टेस्ट में कैसा। तो सबसे पहले हमें ना गोलगप्पा सर्व किया गया, ये दही वाला गोलगप्पा है और चटनी वगैरह सब ऐड है इसमें। गाइस, यहाँ का एम्बियंस ना काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ये प्लेस ना इन्होंने मॉल के अंदर बनाई है, तो इनको ना एक सर्टन स्पेस दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा छोटा स्पेस है बट बहुत अच्छे से इन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है। बार एक बार को प्रॉपर स्पेस है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, किचन को अलग है और लाइव किचन भी सेपरेट की हुई है। तो मतलब एम्बियंस काफ़ी अच्छा है इनका। वेज स्टार्टर भी ला देना यार, थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन वेज है, जिसमें फिश है, चिकन है, मटन है और ये इन्होंने ऐसे बारबेक्यू स्टाइल में रखा हुआ है और एक फ्राइड फिश सर्व की है। तो सबसे पहले मैं फ्राइड फिश टेस्ट करूँगा बिकॉज ठंडी हो जाएगी वो, नहीं तो। वाह यार, काफ़ी फ्रेश है, बहुत क्रिस्पी। इसकी जो आउटर लेयर है ना, इसमें ब्रेड क्रम्स और सूजी यूज़ किया हुआ है। कॉन्टिनेंटल स्टाइल फिश होती है ना, जैसे फ्राइड फिश, बिल्कुल वैसी टेस्ट कर रही है। अभी तक इन्होंने कोई डिप्स वगैरह नहीं दी, लेट मी आस्क टू देम, डिप्स नहीं दिया आपने ना। अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो काफ़ी फास्ट है यार, मतलब अभी आए हुए 5 मिनट ही नहीं हुए, सारे स्नैक्स अभी एकदम फ्रेश रेडी होके मेरे सामने। एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, एक्चुअली जितनी कटलरी है ना वो ऐसे पाउच में आती है अनटच्ड, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो चटनी है वो ऐसे जार में अनटच्ड जा रहा है, जैसे कोई कस्टमर ही ओपन कर रहा है, कोई गेस्ट आके ही ओपन कर रहा है और वो अपने लिए इसको यूज़ कर रहा है। चिकन हल्का हल्का ठंडा है, इतना गर्म नहीं है बट काफ़ी फ्लेवरफुल है चिकन टिक्का। मटन सीख ट्राई करते हैं। ओहो, ये कैसे निकल रही है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स है। ग्राउंड मीन्स मटन यूज़ किया हुआ है और काफ़ी सारे मसाले ऐड किए हुए हैं इसमें। मिंट पाउडर का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, हम आराम से शूट भी करवा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा जा रहा है। और चिकन टिक्का जैसे मैंने बताया ठंडा था, तो वहाँ के सर्वर ने मुझे गर्म पाइपिंग हॉट चिकन टिक्का ला के दिया, जो कि बहुत अमेजिंग है यार। अभी ना वेज स्टार्टर आए हमारे पास, क्रिस्पी कॉर्न और कैजुअन पोटैटोस। क्रिस्पी कॉर्न ट्राई करते हैं, बहुत अमेजिंग लगते हैं यार यहाँ के क्रिस्पी कॉर्न मुझे। वाओ यार, सॉल्ट पेपर, ग्रीन अनियन हो गया, गार्लिक, इनमें सॉटे होते हैं, बहुत अमेजिंग टेस्ट करते हैं यार ये। कैजुअन पोटैटो ट्राई करते हैं, अच्छा कैजुअन पोटैटो बट ठंडा हो गया, थोड़ा सा वार्म है। गरम गरम पोटैटो होते हैं ना मैश स्मैश करके, उसके ऊपर ये कैजुअन सॉस होती है वो डालते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं यार। बारबेक्यू नेशन की तो स्पेशलिटी है, उन्हीं को देखे इन्होंने कॉपी किया था, बट यहाँ के भी अच्छे, बट वहाँ के तो और बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं। हाँ, नॉन वेज है ये ना, नॉन वेज डिम सिम है, जैसे हॉट गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया हुआ है। वाओ यार, वह गरम भी है। डिम सम और मोमोज में पता क्या डिफरेंस होता है, जो मोमोज होता है ना वो हमारे इंडियन स्टाइल में बन जाते हैं, थोड़े से तिब्बतियन डिश है क्योंकि वो जो मोमोज है, बट डिम सिम्स चाइनीज और कोरियन ये लोग प्रेफर करते हैं, एशियन लोग हैं, इनमें इंडियन स्पाइसेस ना होते हुए इनके ब्लैक पेपर हो गया, सॉल्ट,
थाई चिली पेपर्स ऐसे स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं और ये बहुत माइल्ड होते हैं। हमारे मोमोज जो होते हैं जो हम खाते रेगुलर वो हल्के स्पाइसी होते हैं, बट ये नहीं होते इतने। और ये हमारा वेज बारबेक्यू, इसमें पनीर, मशरूम टिक्का और सोया चाप, मतलब टोटल 6 वेज स्टार्टर्स है, 6 नॉन वेज स्टार्टर, 12 स्टार्टर्स हैं इनके पास, इनके बुफे मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे स्टार्टर्स हैं। उसके अलावा गोलगप्पा एक सेपरेट है, तो ऑलमोस्ट 13 स्टार्टर्स हो जाते हैं अगर गोलगप्पा ऐड कर दे तो। और ये फ्रेश लैम भी कॉम्प्लीमेंट्री है। यस प्लीज। सबसे पहले पाइनएप्पल ट्राई करते हैं। ये ग्रिल पाइनएप्पल होता है जिसमें ना सिनेमन लगा रहता है। वाह यार, यहाँ की मेरी सबसे फेवरेट चीज़ यही है, ग्रिल पाइनएप्पल, इसमें ना सिनेमन लगा रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है यार। ये मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का और चाप खाने का मन नहीं कर रहा, चाप नहीं खा रहा मैं, बहुत हैवी हो जाएगा ऑलरेडी। मशरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ मैरिनेटेड है, अचार का फ्लेवर आ रहा है और पनीर काफ़ी टेंडर है। अच्छा, ब्राज़ीलियन चिकन, ना ब्राज़ीलियन चिकन विंग्स हमने खाए नहीं थे तो वो भी लेकर आ गए अभी। वाह यार, इन्होंने ना न्यूली लॉन्च किया अपने मेन्यू के अंदर, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे से ग्रिल हुआ चिकन है ये, और स्पाइसेस ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बहुत स्मोक पेपरिका जैसे स्पाइसेस ऐड किए हुए, काफ़ी सटल है बट बहुत अमेजिंग है यार ये। वहाँ पे ना एक्चुअली किसी का बर्थडे चल रहा है और ये सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो स्टार्टर तो सारे हमने खा लिए हैं, हमारी मेन कोर्स की, मेन कोर्स लेने जाते हैं बिकॉज कैमरा वहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं है एज आई टोल्ड यू, तो फटाफट से चलते और देख लेकर आते। A few moments later. तो मेन कोर्स ले आए हैं हम, सबसे पहले हम लाए सूप, सूप में मैं वेज सूप लाया हूँ एक्चुअली, टमाटो बेसिल सूप था, ट्राई करते ऑथेंटिक टमाटो बेसिल सूप की तरह नहीं है, बेसिल का तो टेस्ट नहीं आ रहा, टमाटो प्यूरे का टेस्ट आ रहा है, स्वीट स्वीट सी, और बड़ा थिन सूप है एक्चुअली, टमाटो बेसिल सूप थिक होता है, इसमें गार्लिक का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है बट सूप काफ़ी एवरेज है। नॉन वेज में लाया हूँ इनकी मटन करी, चिकन और चिकन बिरयानी, बिरयानी टेस्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी है, बड़ा ऑथेंटिक सा टेस्ट आ रहा है बिरयानी में, जैसे हैदराबादी बिरयानी नहीं होती प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल वैसी है ये, फ्राइड अनियन चिकन पूरा मतलब प्रॉपर वैसा ही है, और कलरफुल राइस सैफरन वाले बिल्कुल वैसी टेस्ट कर रही है ये बिरयानी, बहुत बड़ी है, बहुत प्योर ऑथेंटिक फ्लेवर वाली है। मैंने एक्चुअली ना वेज में साग, मक्की की रोटी और माँ की दाल ली है, तो पहले मैं वो ट्राई करूँ क्योंकि मक्की की रोटी ना अभी फ्रेश आई है, और इसके साथ मैंने ना नॉनवेज का नान मंगवाया था तो अभी आया नहीं है पहले, तो वो ट्राई कर लेते। वाओ यार, वाओ काफ़ी अच्छा है, मक्की की रोटी बहुत बढ़िया, साग हल्का सॉल्टी है और अनसॉल्टेड बटर है ये, तो फिर भी साग बहुत सॉल्टी लग रहा है मुझे। सीजनल चीज़ों को मेन्यू में ऐड करना ना एक अलग वो हाइप क्रिएट कर देता है, ऐसे लोगों को पता लगता है इनके मेन्यू में सरसों का साग भी और मक्की की रोटी भी है, तो मेरे ख्याल से ना कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। दालिंग नान भी आ गया, उसे भी टेस्ट करते हैं अभी। टमाटो की ग्रेवी है और चिकन ऐड किया हुआ है, बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहा है ये, बहुत अमेजिंग, वो गार्लिक नान एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छे से गार्लिक ऐड किया हुआ है इसमें, तो गार्लिक के साथ साथ ना कोरिएंडर भी लगा हुआ है, वो ऑथेंटिक जैसे मिलता नहीं बिल्कुल वैसा है। मटन ट्राई करते हैं, मटन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया मटन करी है ये, थोड़ा ना रोगन जोश जैसा लग रहा है ये, बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहा है। ऐसे बुफे में ना काफ़ी सारी वैरायटीज थी वेज नॉन वेज दोनों की, तो ना मुझे जो जो खाना था मैं बोल रहा है, पनीर भी था, मटर पनीर बना हुआ था बट पनीर खाने का इतना मन नहीं था, तो है ब्रिंग जो मुझे अच्छा लगा बुफे के अंदर, मैं इसे इंजॉय करता हूँ, मिलता है डेजर्ट पे। तो हमारा डिज़र्ट आ चुका है और मैंने लिया है ब्राउनी विद आइसक्रीम, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और फ्रूट्स, दैट्स इट। गुलाब जामुन टेस्ट करते हैं सबसे पहले, काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी, बहुत अच्छे है, अरे मूंग दाल का हलवा बड़ा अच्छा दिख रहा है, ऑथेंटिक मूंग दाल का हलवा, इसमें केसर भी डाला हुआ है, काढ़े मूंग भाई बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली डिज़र्ट में ना पेस्ट्रीज भी थी बट वो इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, यहाँ की जो केक होते हैं ना बड़े ड्राई ड्राई से होते हैं, यहाँ पे
तो मुझे इतना पसंद नहीं है। इंडियन डेजर्ट बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। ब्राउनी विद आइसक्रीम ट्राई करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट जो डेजर्ट है ना यहाँ पे वही ब्राउनी विद आइसक्रीम, बहुत अच्छी बनाते हैं ये। इसके अलावा फ्रूट्स है जिसे मैं इन्जॉय करूँगा और इस प्लेस को मैं एंड करूँगा। बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग फूड है। अभी डिनर करने के लिए एक और प्लेस है, आपको पता ही बारबेक्यू नेशन, तो हम डिनर में वहाँ मिलेंगे अभी आपसे। चीयर्स गाइस। इतना खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी ब्रेक ली जाए और उसके बाद हम डिनर करने जाएंगे बारबेक्यू नेशन। देखते हैं यहाँ का बुफे कैसा होता है एंड लेट्स गो। तो अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम और मैं आया हूँ डिनर करने के लिए बारबेक्यू नेशन। फटाफट से चलते हैं। वो आ चुके हैं हम बारबेक्यू नेशन में और यहाँ से भी हम सेम बुफे खाने वाले जैसे हमने पायरेट से खाया था। देखते हैं इनके बुफे में क्या डिफरेंस मिलता है हमें पायरेट से। तो एम्बियंस की मैं बात करूँ अभी तो मतलब काफ़ी खाली खाली है, क्योंकि एक्चुअली मैं 6:30 यहाँ पे आ गया था फॉर माई डिनर बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। तो मैं 6:30 यहाँ पे आ गया था एंड काफ़ी अच्छा है यार, मतलब रेस्टोरेंट का जो साइज़ है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मैं पायरेट से कंपेयर करूँ। कवर साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक वन टेबल पे मतलब ऐसे वहाँ पे जैसे दो लोग बैठ सकते थे, यहाँ पे 4 पीपल का सेटिंग दिया हुआ है विद प्रॉपर चेयर्स के साथ है ये। काफ़ी अच्छा है इन्होंने मतलब वो बना रखा है। लेट्स सी फूड कैसा टेस्ट करता है यहाँ पे। ये क्या है सर? सर वेज कबाब है सर। वेज कबाब। तो हमारा मैक्सिमम फूड आ चुका है और इनमें से काफ़ी सारा फूड ना मेरे को वेज सर्व किया गया है, जैसे क्रिस्पी कॉर्न है, कैजुअन पोटैटो जो यहाँ की स्पेशलिटी है, वेज कबाब है ये, दिस इज चाट पापड़ी भी है यहाँ पे और गोलगप्पे भी है। सबसे पहले मैं चाट पापड़ी ट्राई करता हूँ कैसी है। ये एक्चुअली पापड़ी है और मेरे को तो ये मट्ठी जैसी लग रही है जिसके ऊपर ना चटनी डाली हुई है। चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। मज़ा नहीं आया, पापड़ी खस्ता नहीं है, इट इज़ नॉट दैट क्रिस्पी। गोलगप्पे ट्राई करते हैं। ये ना जो मार्केट में मिलते नहीं है गोलगप्पे जिनको फ्राई किया जाता है, ये वो वाले हैं, इन्होंने खुद नहीं बनाए हुए हैं। गोलगप्पे अच्छे लगे, पानी बहुत फ्लेवरफुल है यहाँ के गोलगप्पे का। मैंने कहा इस बार ना वेस्ट स्टार्टर से शुरू किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने नॉनवेज खाए थे पायरेट से ना अभी। वाह यार, वेज कबाब काफ़ी अच्छा है। अब आ रही है बारबेक्यू नेशन स्पेशल केजन पोटैटोस ट्राई करने की। वाह, यहाँ के केजन पोटैटोस बहुत डिलीशियस होते हैं यार, सीरियसली। अभी तक मुझे ना केजन पोटैटो वेज कबाब अच्छे लगे हैं। क्रिस्पी कॉर्न ट्राई करते हैं कैसा है। यहाँ के क्रिस्पी कॉर्न ना काफ़ी स्पाइसी है, बिल्कुल ना जैसे चाट नहीं होता बिल्कुल वैसे से लग रही है। इसमें ना रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ जिसकी वजह से बड़ी अच्छी स्पाइसीनेस आ रही है। और इसमें और पायरेट्स के जो क्रिस्पी कॉर्न है ना उनमें मुझे एक डिफरेंस लगा ये कि इसमें जो अनियंस डाले हुए हैं ना वो ऊपर से डाले हुए हैं, चॉप करके अनियन जो डाला हुआ वो ऊपर से डाला हुआ है। वहाँ पे सौते किया हुआ था जैसे क्रिस्पी सॉल्ट पेपर होता है ना वैसे से वो बनाए हुए थे, बट यहाँ वाले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अनियन ना बड़ा रिफ्रेशिंग सा एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं इसमें। इसमें ना नींबू ऐड करके खाया जाए तो ये और ज़्यादा डिलीशियस लगेगा, जैसे हम चाट खाते हैं ना बिल्कुल वैसा। अब आ रही है नॉन वेज ट्राई करने की। स्टाफ इनका बड़ा कर्टियस है यार, मतलब काफ़ी बार पूछ गए हैं ये क्या चाहिए आपको, व्हाट यू नीड, कैसी सर्विस लग रही है आपको, है ना, ये जो अंगीठी से जलाई हुई है इसमें हीट कैसी आ रही है, आई मीन ये प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। तो सर्विस वाइज तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक और चीज़ मुझे बताई गई यहाँ पे कि इन्होंने ना अपना मेन्यू मॉडिफाई किया है और एक बैड न्यूज़ आई है मेरे पास कि इनके पास प्रॉन्स नहीं है। चलो एनीवे लेट्स सी कि बाकी के स्टार्टर्स प्रॉन की याद दिलाते हैं कि नहीं। वैसे एक मार्क्स तो कट गया प्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे जैसे लोग हैं ना नॉनवेज लवर्स वो ना प्रॉन ढूंढने आते हैं भैया, क्योंकि अनलिमिटेड मिलते हैं यहाँ पे। इसलिए नॉनवेज में इनके पास ना चिकन टिक्का है, फिश टिक्का है और देर आर 2 types ऑफ चिकन टिक्का एंड फिश टिक्का। देर इज़ नो मटन इन द मेन्यू एंड नो अदर सी फूड लाइक प्रॉन, वो नहीं है इनके मेन्यू में। सबसे पहले फ़िश टिक्का ट्राई करते। फ़िश बहुत टेंडर है यार, ये एकदम फ्लेकी फ्लेकी से निकल रही है। वाह, दो तरह के चिकन टिक्का है इनके पास, एक अंगारा चिकन टिक्का, एक रेगुलर तंदूरी चिकन टिक्का। ये अंगारा वाला है ग्रीन कलर का। चिली चिकन। यस प्लीज, थैंक यू। चिली चिकन। चिकन बड़ा ओके ओके लगा मुझे, चिकन टिक्का इतना अच्छा नहीं लगा, फिश अच्छी है। अभी भैया मुझे ना चिकन टिक्का सॉरी चिली चिकन सर्व करके गए, तो चिली चिकन ट्राई करते हैं। थोड़ा सा दुख हो रहा है यार क्यों नहीं है प्रॉन्स,
चिली चिकन स्पाइसी है यार, और जो चिकन का पार्ट यूज़ किया है ना, वो ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया हुआ है इन्होंने। वैसे ना नॉर्मली जो चिली चिकन बनता है ना, उसमें लोग ना थाइस वाला पार्ट ऐड करते हैं, बिकॉज वो जूसी होता है। ब्रेस्ट वाला पार्ट इतना जूसी नहीं होता, वो लीन फैट होता है, जिसकी वजह से ना वो चूई हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, वो अच्छा नहीं लगता खाने में। बट टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी फूड तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, चिकन टिक्का से तो काफ़ी बेटर है। बात करो इनके क्वांटिटी वाइज स्टार्टर की, तो मैं बोलूँगा इनके स्टार्टर्स ना 2-3 कम है एज़ कम्पेयर टू पायरेट्स। पायरेट्स में टोटल 12 थे, यहाँ पे मुझे लगता है 9 और 10 के बीच में स्टार्टर्स है अभी इस टाइम पे जो अवेलेबल है बारबेक्यू नेशन में। तो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है ही, बिकॉज लोग यहाँ पे ना मैक्सिमम स्टार्टर्स खाने आते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना अनलिमिटेड स्नैक्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें चिकन है, फिश है, मटन है। और स्टार्टर की जो सर्विस होती है ना यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, फटाफट स्टार्टर्स आपको सर्व कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते हैं पायरेट्स और बारबेक्यू नेशन। बट स्टार्टर की कमी होने की वजह से थोड़ा सा वो कम हो गया है। ठीक है, एक ही रखना, एक ही सर। थैंक यू सो मच। सोया चाम मैंने ना वहाँ ट्राई नहीं की, वहाँ भी थी बट मेरा मन नहीं गया वहाँ पे, बट यहाँ के वे स्टार्टर ना मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मुझे पास करना ज़रा पाइनएप्पल, थैंक यू। पनीर ट्राई करते सबसे पहले, बिना चटनी के ट्राई करता हूँ। ओके मैरिनेशन कुछ खास नहीं लगा, ऐसा लग रहा है प्लेन पनीर खा रहा हूँ तंदूर में लगा हुआ। सोया चाम भी ओके हल्की स्पाइसी है, बट इतना अच्छा फ्लेवर नहीं है। रॉनेस ना जब आ जाती है ना चाम में, वो अच्छी नहीं लगती यार, इसमें रॉनेस है। ये तंदूरी बेबी पोटैटोस ट्राई करते, इन पोटैटोस से खास बात पता क्या, इनका छिलका नहीं उतारा हुआ है, ये पील ऑफ नहीं है, और छिलके के ऊपर जो स्मोकीनेस आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट स्पाइसी, ये मतलब सॉल्ट पेपर भी कुछ खास नहीं, मैरिनेशन इतना अच्छा नहीं है, सॉल्ट पेपर भी कुछ अच्छा नहीं है, बट अगर आप चटनी के साथ खाएंगे मे बी आपको अच्छा लगे। पाइनएप्पल ट्राई करते हैं, पाइनएप्पल स्पाइसी है। एक्चुअली तीनों चारों चीज़ें ना सेम मैरिनेशन में कोटेड है, ये मैरिनेशन से कोटेड है, पनीर भी, आलू भी, सोया चाम भी और पाइनएप्पल भी, तो मैरिनेशन का सबका सेम टेस्ट आ रहा है, और सब में मैरिनेशन लगा ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, तो सॉल्ट पेपर तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है मैरिनेशन ऐसे लगा हुआ है, और हल्का सा लग के इसको तंदूर पे रख के सेक के फिर यहाँ पे रख दिया है। ये तंदूर वाले स्टार्टर इतने अच्छे नहीं, बाकी जो इनके वाले थे ना वो क्रिस्पी कॉर्न कबाब ये बड़े अच्छे थे, तंदूर वाले ओके लगे। इस प्लेट को ख़त्म करता हूँ और फिर मूव करते हैं हम मेन कोर्स पे। ऑल इन ऑल काफ़ी एवरेज अभी तक का एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा यहाँ से, अगर मैं पायरेट से कंपेयर करूँ, बिकॉज पायरेट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, आई मीन वो रुकने ही नहीं दे रही थी आपको खाने के लिए, बट यहाँ पे ना मैं बीच बीच में स्टॉप कर रहा हूँ खाने से, पता नहीं को मैं सोच रहा हूँ खाने से पहले, ये मुझे ना ये थोड़ा एक गलत चीज़ लगी। बट अगर मैं स्टाफ देखूँ, यहाँ का इन्वायरमेंट देखूँ, मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू पायरेट्स। यहाँ के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, आपसे बार बार आके पूछते हैं, ग्लास खाली होता है तो रीफिल करवाने का पूछ रहे हैं, इफ़ यू नीड नैपकिन दे विल आस्क यू, फूड कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए ये वो, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। बट अगर फूड की बात करूँ वो उतना ही एवरेज लग रहा है मुझे। तो हम हमारा मेन कोर्स ले आए हैं, और सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ से सूप, ये हॉट एंड सार चिकन सूप। वेज में भी सेम हॉट एंड सार ही था, यहाँ पे चिकन वाला ट्राई करते हैं। सूप काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया, प्योर ऑथेंटिक फ्लेवर होता है जैसे हॉट एंड सार सूप का, बिल्कुल वैसे हल्का हल्का स्पाइसी है ब्लैक पेपर की वजह से, और बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है पीने में। तो मेन कोर्स में मैं लाया हूँ, नॉन वेज वाली साइड से मैं लाया हूँ एग फ्राइड राइस, चिकन बिरयानी, लेमन चिकन और बटर चिकन। लैम इनके मेन्यू में नहीं था, मटन इनके मेन्यू में नहीं था। काफ़ी डिसेंट बिरयानी है, हल्के हल्के स्पाइसी लग रही है, बहुत एरोमेटिक है। वो जो पायरेट्स वाली थी उसमें ऑथेंटिकनेस थी, फ्राइड अनियन, कोरिएंडर, अच्छा यार यहाँ की बिरयानी अच्छी है। एग फ्राइड राइस टेस्ट करते हैं, चाइनीज स्पाइसेस, इंडो चाइनीज नहीं होते बिल्कुल वैसे। एग भी बड़ी अच्छी क्वान्टिटी में ऐड किया हुआ है, वेजिस हल्का की क्रंची है, बहुत बढ़िया। बारबेक्यू नेशन और पायरेट्स ऑफ ग्रिल दोनों लंच में ड्रिंक सर्व करते हैं, बट जो पायरेट्स और बारबेक्यू में ड्रिंक्स का डिफरेंस है, पायरेट्स वाले नॉन अल्कोहलिक भी ऐड किया हुआ उन्होंने अपने ड्रिंक्स में, तो आप मतलब वन राउंड
अल्कोहलिक की जगह सॉरी नॉन अल्कोहलिक की जगह अल्कोहलिक ड्रिंक भी ले सकते हैं। बटर चिकन मैं ट्राई करना चाहूँगा गार्लिक नान के साथ जो मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब आ रही है वेज ट्राई करने की। वेज में है दाल मखनी और साथ में प्लेन राइस, बड़ी डिसेंट है, हल्की स्पाइसीनेस है, रेड चिली पाउडर की, ग्रीन चिली ऐड नहीं करते क्योंकि दाल मखनी के अंदर, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाई हुई है ये। पनीर शाही पनीर नहीं होता, बिल्कुल वैसा है, मखनी ग्रेवी होती है ना बिल्कुल वैसी सी है, काफ़ी अच्छी टेस्ट कर रही है। और ये नूडल्स ट्राई करते हैं, इनके ना नूडल्स भी बड़े टेस्टी होते हैं यार, हल्के हल्के स्पाइसी से दिख रहे हैं, रेड कलर के है ये। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेरे को ना वहाँ पे डिश देखी जिसका नाम था गोभी मंचूरियन। और मंचूरियन ना मैंने ड्राई वाली खाई हुई है, ये ना ग्रेवी में बनाई हुई थी इन्होंने, मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई की जाए। ऐसे ना कॉर्नफ्लावर के बैटर में गोभी को फ्राई किया हुआ है और मंचूरियन ग्रेवी में ऐड किया हुआ, बड़ी अच्छी टेस्ट करती है। गार्लिक नान आ गया हमारा और मैं इसे खाने वाला हूँ बटर चिकन के साथ। और ये आया गार्लिक नान का एक पीस और इसे हम ट्राई करेंगे बटर चिकन की ग्रेवी में, थोड़ा ऑथेंटिक बटर चिकन होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट स्वीट, इतना भी नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहा है ये। तो नान एकदम फ्रेश फ्रेश आया ना खाने में, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसे। चलो यार मैं इसे फिनिश करता हूँ, डिज़र्ट टाइम मिलते हैं। ये येलो येलो ट्राई करते हैं ये गुलाब जामुन। मैंने एक्चुअली उनको बोला था लेकर आना, वो इतने सारे ले आए यार। गुलाब जामुन बहुत अच्छे, बहुत फ्रेश, स्पॉन्जी सॉफ्ट है एकदम, उनका बहुत टेस्ट है यार। देसी घी और मूंग दाल का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो मिलकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है यार। आई मीन अगर ना ये सच में डिजर्ट का कॉम्पिटिशन होता ना तो बारबेक्यू तो पक्का देता, मैं तो 5 out of 5 दे देता, 5 out of 5 इतने अमेजिंग डिजर्ट में। बट ये ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है, ओवरऑल खाने की बात है, एम्बियंस की बात है, एम्बियंस की मैं बात करूँ तो ये प्लेस बहुत अच्छा डिजर्व करती है। अभी खा ली है तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये भर भी जाता तो भी इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, सर्विस वाइज भी ये प्लेस अमेजिंग है। ओवरऑल बात करो तो आई विल रेट दिस 3 out of 5 क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी मेन्यू के अंदर, तो मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई विल रेट दिस प्लेस 3 out of 5। तो हमारा विनर है पायरेट पकड़िया, विनर होगा ही बिकॉज वहाँ का फूड अमेजिंग, वहाँ की ड्रिंक्स अमेजिंग और जो वैरायटीज थी ना वो तो थी ही यार। ऑल इन ऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस यार, दोनों को ट्राई करके बहुत मजा आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पायरेट्स ऑफ ग्रिल एंड बारबेक्यू नेशन में कौन सा बुफे सबसे ज्यादा अच्छा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ।